कुंभ राशि, इन चार राशि के लोगों को ना बताएं अपने सीक्रेट, वरना हो जाएंगे बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, वीडियो आज का बहुत ही खास और सबसे अलग होने वाला है। वो कौन से चार राशि के लोग हैं जिनको अपने सीक्रेट्स आपको नहीं बताना चाहिए, विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपका आज का राशि भविष्य कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो के अंत में उन चार राशि के लोगों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आर्थिक मामलों के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी का आपको महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके सोचे हुए काम भी समय पर पूरे होंगे, इससे आपका मन खुश रहेगा। पैसों से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा जो पैसा आपके पास आ रहा है उसमें से आप कितना बचा रहे हैं। आपके आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा, उसमें किसी संबंधी या फिर मित्र का योगदान रह सकता है। आप कोई नई बात सीख सकते हैं या फिर कोई नई आदत अपना सकते हैं। मित्रों और संबंधियों का आज आपको पूर्ण सा सहयोग मिलेगा। आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। क्रोध में आकर किसी को भी बात ना कहिएगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आपको सीखना होगा। किसी बड़े काम की योजना ना ही बनाएं तो अच्छा होगा। आप में किसी भी काम के लिए जोश की कोई कमी नहीं होगी, परंतु कुछ चिंताएं आपके मन को थोड़ा दुखी कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। दूसरे लोगों की परवाह करना छोड़ दें, केवल अपने मन की बेचैनी को अपने काबू में रखें। अपने भविष्य के लिए जो योजनाएं बनाई हुई हैं उस पर पूरा भरोसा रखें। आप जो भी कार्य करें उससे एक अच्छा अनुभव लें और उसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देख लें। आप कुछ अनजान लोगों की मदद कर सकते हैं। आपके खानपान की आदतों में कुछ बदलाव आ सकता है। किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों में शामिल होने का मौका भी आपको मिल सकता है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको आज आपको जो कि सुनने को मिल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं धनराशिफल के बारे में। अतीत को भुलाकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पार्टनर्स और करीबी साथी के साथ कुछ पल बिताकर आप अपनी मनोदशा को फ्रेश महसूस करेंगे। योजनाएं बनाएं लेकिन कोई खास निर्णय ना लें। सपने देखना ना भूलें क्योंकि सपने ही आपको प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ सपने ही देखते रहें, लेकिन जो सपना आप देख रहे हैं उसके प्रति आपको कार्य भी करना होगा, उसके प्रति आपको मेहनत भी करना होगा, योजना भी बनानी होगी। अपनी कंपनी के उत्पादकों या फिर बिक्री के सेवाओं के लिए आपको एक शानदार विचार दिमाग में आ सकता है। उस विचार को अपने उच्च अधिकारियों से जरूर बांटेगा और कुछ होता है या नहीं उसको जरूर देखेगा। मनचाही परिणाम पाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करेगा और एक समय में एक कार्य ही जरूर कीजिएगा। आपके पास प्रबंधन का बेहतरीन जो कि कौशल है और निपुणता के साथ पेशेवर मांगों को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। काम करने के आपके नवीन तरीकों के कारण आपको उच्च अधिकारियों से सम्मान मिल सकता है। अपनी इस रचनात्मकता से आपको और भी लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने नकारात्मक अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए और भविष्य में उन्हें नए तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आपको विषम परिस्थितियों में भी आसानी से काम करने की कला सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। पति पत्नी या फिर लिव इन पार्टनर के लिए यह समय मुश्किलों से भरा हो सकता है। रिश्तों में गलतफहमी कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखें इनकी वजह से आपके संबंध में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इस वक्त कानूनी समझौते या फिर टाइप से दूरी रहेगा,
जिसे हम दिलो जान से चाहते हैं, उसके साथ हम रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ साथ भावनात्मक रिश्ता भी शेयर करते हैं। दोस्तों आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा, बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेगा। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, भावनाओं में आकर अपने जीवन साथी के साथ कुछ गलत भी मत करिएगा। प्यार में यह बात भी मायने रखता है कि आप कितने कलात्मक और अपनी चाहत का इजहार कैसे करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज आप कोई भारी सामान ना उठाएं, वरना कमर या फिर जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा काम का बोझ लेंगे तो आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को ऐसे ही मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम और योगा जरूर कीजिएगा। व्यायाम योगा करने से आपका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा और आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, जिससे कि आप दिन भर अपना काम समय पर और मूड के साथ अच्छी तरह से क्वालिटी के साथ पूरा कर पाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन से चार राशि के लोग हैं जिन्हें आपको अपने सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि देखकर उस व्यक्ति की खूबियों और कमियों के बारे में जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी राशियों के बारे में बताया गया है जिससे संबंध रखने वाले जातकों से कोई भी सीक्रेट बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आइए उन राशियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मेष राशि के जातक किसी व्यक्ति की कोई सीक्रेट बातें दूसरों को बताने से खुद को रोक नहीं पाते, इसलिए मेष राशि के जातकों को कोई भी बात बताने से पहले चार बार सोचना जरूर चाहिए। अगला है मिथुन राशि। इस राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। कहा जाता है मिथुन राशि वाले जातकों को अपनी कोई भी सीक्रेट बात शेयर नहीं करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को गॉसिप करना पसंद होता है, इस वजह से ये अपने दिल में कोई बात छुपा कर नहीं रखते, इसलिए मिथुन राशि वाले लोगों को भी अपनी सीक्रेट बातें कभी भी नहीं बताना चाहिए। अगला है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तुला राशि के जातक जब तक कोई बात दूसरे को नहीं बता देते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। इस राशि के जातक कोई भी बात अपने दिल में छुपा कर नहीं रख पाते, इसलिए इस राशि के जातकों को कोई भी सीक्रेट बताना मुश्किल भरा हो सकता है। और आखिरी है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है। कहा जाता है कि कर्क राशि के जातक भी कोई बात पचा नहीं पाते, इस राशि के जातक कोई बात जब तक कुछ लोगों को ना बता दे तब तक चैन नहीं लेते हैं, इसलिए आपको अपनी कोई सीक्रेट बात शेयर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशि फल रहेगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना ही तो लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं, कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोज देखने को मिलेगी जिससे आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।